ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना है साउंड्स। एसिड्स, बेसिस हमने पढ़े, उनके इंडिकेटर्स पढ़े। साल्ट्स क्या होते हैं? जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस जब ये मिलेंगे तो इनसे होती है न्यूट्रलाइजेशन। और इसी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इससे जो बनते हैं वो है साल्ट। इस बात को हम ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि जब एसिड्स और बेसिस आपस में मिलते हैं तो साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहां हमने पढ़नी है साल्ट्स की कैटेगरी। साल्ट्स कितने टाइप के हैं? तो साल्ट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अक्सर होता है कि वो किस तरह से बनते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो इसके बेसिस के ऊपर ये कितने टाइप के हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले होते हैं नॉर्मल साल्ट्स। थोड़ा थोड़ा जिक्र इस बात का, एसिडिटी बेसिसिटी वहां भी आया हुआ है। पहले हैं नॉर्मल साल्ट्स। नॉर्मल साल्ट्स किन को कहा जाता है? जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो एसिड में है आयनाइजेबल एच पॉजिटिव, यानी कि एच पॉजिटिव छोड़ता है एसिड। जब वो कंप्लीटली वहां से रिप्लेस हो जाए किसी भी मेटल के द्वारा या अमोनियम आयन के द्वारा, तो उससे जो बनेगा अपने पास जो आएगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल साल्ट। यानी कि इसमें क्या होगा? कंप्लीट आयनाइजेशन, कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है, यानी कि पूरी तरह से हट जाता है क्या जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल, जो टूट गया जो आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल एच पॉजिटिव आयन। कौन करता है ऐसा? कौन रिप्लेस करेगा इसको? या तो मेटल्स होंगे, बाई मेटल्स, या फिर अमोनियम आयन्स होते हैं, ये कंप्लीटली रिप्लेस करेंगे और जो साल्ट बनेगा वो बनेगा नॉर्मल साल्ट। जैसे आपके पास एसिड है HCl और इसके साथ आप रिएक्ट करवा दें NaOH, ये तो मेटल हो गया अपने पास। ये जो हाइड्रोजन ये कंप्लीटली रिप्लेस होता है और साल्ट बनेगा NaCl प्लस H2। तो इस टाइप के जो साल्ट होंगे वो होते हैं नॉर्मल साल्ट। कंप्लीटली कहां नहीं होता है, ये वहां मिलेगा जहां बेसिसिटी एसिड की ज्यादा हो, यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो जब ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, कुछ रिप्लेस होते हैं कुछ नहीं होते, जिसकी वजह से दूसरे टाइप की सॉल्ट फॉर्मेशन होती है जो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये है नॉर्मल साल्ट्स जिनमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है। और एग्जांपल भी आप देख सकते हो, जैसे कि H2SO4 है, अगर आप इसके साथ रिएक्ट करवाना चाहें NaOH या KOH, तो क्या होगा, कंप्लीट रिप्लेसमेंट अगर इसकी हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है लेकिन जब हो चुकी है तब जो साल्ट बनेगा ये नॉर्मल साल्ट है। ये होते हैं नॉर्मल साल्ट। जब ये नॉर्मल साल्ट बनेंगे तो इनके जो एसिड्स हैं जिनसे ये बनते हैं उनको कहा जाता है पेरेंट एसिड्स, जिनसे साल्ट बनते हैं। तो कुछ के नाम लिख लेते हैं कि कौन सा पेरेंट एसिड है और उससे कौन से साल्ट आपको मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप H2SO4 की बात करो, अगर ये पेरेंट एसिड है तो जैसे कि ये बन गया Na2SO4। तो इस साल्ट का अगर आपसे पूछा जाए कि पेरेंट एसिड कौन है, तो इसका है H2SO4। इसी तरह जैसे K2SO4 कैल्शियम ले रखा है तो CaSO4, दोनों में वैलेंसी 2 है तो यही रहेगा। आप बहुत सारे बता सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसी तरह अगर पेरेंट एसिड HNO3 ले रखा है हमने तो क्या बन सकता है, NaNO3, KNO3,
और बहुत सारे मेटल हैं, आप बहुत सारे नाम बता सकते हैं। अगर आपने ले रखा है HCl तो क्या हो सकता है, जैसे NaCl, KCl। अगर आपने ले रखा है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो होना क्या है, H पॉजिटिव तो जाना है, उसकी जगह पे आता है। इसके साथ जैसे आप NaOH की रिएक्शन करवाएं, यानी मेटल जैसे आएगा तो H पॉजिटिव चला जाएगा, Na पॉजिटिव इसकी जगह आ जाता है, तो होगा CH3COONa, सोडियम का एसीटेट। इसी तरह पोटासियम का हो सकता है CH3COK। अगर आपने एसिड ले लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो फिर इसका साल्ट बनेगा जैसे Na2CO3, इसकी वैलेंसी दो है, इसकी एक है, इसकी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, K2CO3। मैं केवल दो मेटल लेके चलूं, आप कितने ही बना सकते हैं, बहुत सारे मेटल्स बनाते हैं। या अगर आपके पास आ गया H2SO3, ये पेरेंट एसिड है, तो क्या बन जाएगा, Na2SO3 K2SO3। तो इस टाइप के जो साल्ट हैं, ये बहुत सारे एग्जांपल अपने पास हो गए, इस टाइप के जो साल्ट हैं जिनमें क्या है कि जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव अपना, इसकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है, जो आयनाइजेबल आयंस के रूप में जो टूट के जाता है H पॉजिटिव, आयनाइजेबल हाइड्रोजन जो है इसकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाती है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल साल्ट। तो सेकंड है अपने पास एसिडिक सॉल्ट्स। पहले हमने पढ़ा नॉर्मल साल्ट्स, जिसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है H पॉजिटिव आयन की, इसमें क्या होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोनियम आयन की। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे हम इसके बारे में कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी H पॉजिटिव आयन्स की। अब पार्शियल का मतलब क्या, ये है कि एक हाइड्रोजन है और उसे एक में से आधा चला जाए, ऐसा नहीं होगा, यानी कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होंगे। तो पॉइंट की बात ये भी है इसमें कि एसिडिक साल्ट्स ऐसे एसिड्स बनाएंगे जो पॉलीबेसिक होंगे, जिनकी बेसिसिटी मोर देन वन होगी, यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उनके पास, एक से ज्यादा। ये आपको अच्छी तरह पता है कि जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, मिलते हैं, तो क्या बनता है, साल्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेस हमने लिया है, जो बेस हम लेकर एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, वो हमारे पास सफिशियंट अमाउंट में नहीं होता, यानी कि उसकी मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। कंप्लीट नहीं हो पाता तो फिर क्या हो जाता है, वहां पार्शियल रिप्लेसमेंट हो जाती है, जिससे इस टाइप के साल्ट बनते हैं, एसिडिक साल्ट। जैसे आप एक एग्जांपल से समझे, NaOH ये एक बेस है और इसके साथ रिएक्शन करवाई हमने H2SO4, ये पॉलीबेसिक हो गए, एक से ज्यादा हाइड्रोजन है। अगर NaOH हमने सफिशियंट अमाउंट में ले रखा है तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, कंप्लीट हो जाएगा, नॉर्मल साल्ट की फॉर्मेशन होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो बेस हमने लिया है ना, ये पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, ये इनसफिशियंट होता है। जब ये इनसफिशियंट होगा तो क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगी, एक एच पॉजिटिव तो रिप्लेस होगा और दूसरा नहीं हो पाएगा। जब एक होगा तो ये टूट के क्या बनेगा, एच पॉजिटिव अलग, HSO4 माइनस अलग, और इसके कारण फिर साल्ट बनेगा NaHSO4, क्योंकि Na पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, ये साल्ट बन गया प्लस वाटर। इस टाइप से जो साल्ट बनते हैं, इन्हीं साल्ट्स को हम कहते हैं एसिडिक साल्ट्स। ये है एसिडिक साल्ट। जब और इनको NaOH मिल जाएगा, जैसे इसी के अंदर और आ जाए, ये है NaOH, अगर ये सफिशियंट अमाउंट में हो तो फिर क्या होगा, फिर ये दोनों रिप्लेस होते हैं, पहले एक हाइड्रोजन फिर दूसरा, दोनों रिप्लेस होंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2। बैलेंस निकली हुई है मैंने ये रिएक्शन,
तो बैलेंस आप कर सकते हैं इसको। तो ये क्या होगा, जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है तो क्या होता है, एसिडिक सोल्ट बनते हैं, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं एसिडिक सोल्ट के, कैसे, जैसे कि NaHCO3, ये भी एक क्या है, एसिडिक सोल्ट है, क्योंकि NaOH के साथ आपने H2CO3 मिला, एक H पॉजिटिव रिप्लेस हुआ, दूसरा नहीं हुआ, या KHCO3 ये है, या NaHSO3, H2SO3 अगर आपने ले रखा है तो फिर ये क्या बनेगा, NaHSO3। तो इस टाइप के जो साल्ट्स हैं जिनमें पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है, क्यों, क्योंकि इनसफिशियंट अमाउंट में हमारे पास क्या है, बेस, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाती, तो सोल्ट बनते हैं एसिडिक सोल्ट। नेक्स्ट है बेसिक सोल्ट। अब इसका उल्टा आ जाओ, बेसिक सोल्ट का मतलब क्या है कि उसमें क्या होगा, जो OH नेगेटिव है वो कंप्लीट रिप्लेस नहीं हो रहा है, वो पार्शियल होता है। तो ये किसमें होगा, ये होगा पॉली एसिडिक में, जिस बेस की एसिडिटी एक से ज्यादा है, मोर देन वन, उनमें ये होगा। और इसमें भी क्या होगा, इसकी खासियत भी क्या है, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ, पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन की, OH नेगेटिव आयन। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉपर का, कॉपर का या लेड का, ये जो एग्जांपल लेंगे तो इसमें क्या होगा, इनके पॉली एसिडिक बेस होते हैं, उनमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगी जब भी किसी एसिड को मिलाएंगे। क्यों नहीं होगी, फिर वही बात है, क्योंकि इसमें एसिड क्या है, सफिशियंट अमाउंट में नहीं है, इनसफिशियंट में है, इस वजह से नहीं हो रही है। जैसे कि रिएक्शन देखे आप, पीबी मान लिया, लेड का ले रहे हो, PbOH होल ट्वाइस ये अपने पास है, और इसके साथ आप रिएक्शन ले लेते हैं HCl की, तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, आप यहां पे ये OH है दो, अब इनमें से पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी, ये यानी कि कंप्लीट हमारे पास पर्याप्त मात्रा भी नहीं है, सफिशियंट नहीं है, तो ये दोनों के दोनों जो OH है इनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एक रिप्लेस होगा दूसरा नहीं होगा, यानी कि ये अपने पास कैसा है, इनसफिशियंट अमाउंट में है, तो दोनों के दोनों OH रिप्लेस नहीं होते। अगर दोनों होते तो क्या बनता, PbCl2 बनता, PbCl मतलब लेड का क्लोराइड बनता, लेकिन अब एक होगा तो फिर क्या होगा, इसकी दो वैलेंसी है, तो पीबी इसके साथ एक वैलेंसी के लिए तो OH, और दूसरी वैलेंसी भी क्या है, Cl। यहां से पता लग ही रहा है इसकी वैलेंसी दो है, तो यानी कि पीबी था ना अपने पास, एक वैलेंसी पे OH और दूसरी वैलेंसी पे बॉन्ड पे क्या है, Cl, ये बनता है। तो ये जो इस टाइप का साल्ट बना हुआ है ना, जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है OH नेगेटिव आयन की, इनको बोलते हैं बेसिक सोल्ट। और इसका नाम क्या होगा, लेड, पीबी क्या होता है, लेड, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड, Cl क्या है, क्लोराइड, तो इसका नाम होगा, लेड क्लोराइड तो है लेकिन बेसिक बचा रहेगा इसमें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेसिक लेड क्लोराइड। इस टाइप के जो साल्ट हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिक सॉल्ट्स कहलाते हैं, जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट है OH नेगेटिव आयन्स की। हालांकि ये भी अगर इसको और HCl मिल जाए तो फिर कंप्लीट ये बना सकता है, जैसे कि PbOH होल ट्वाइस प्लस HCl, अब यहां टू लेने पड़ेंगे आपको, तो ये बना देगा PbCl2 प्लस H2, 2H2 बैलेंस करोगे तो ये क्या है, ये फिर कैसा बना, ये नॉर्मल साल्ट, अब क्योंकि इसमें क्या है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गई है, और ये क्या है, ये बेसिक साल्ट है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने कि जब कभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा तो वहां पे आपके पास या तो एसिडिक सोल्ट आएंगे या क्या आएंगे, बेसिक सोल्ट आएंगे। ओके, तो हम कर चुके हैं साल्ट की क्लासिफिकेशन, पहली थी नॉर्मल साल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते थे और नॉर्मल साल्ट बनते थे। दूसरा था एसिडिक साल्ट, जिसमें क्या हो रहा था कि
एसिडिक का मीन्स है एसिड का अवशेष वहां कुछ ना कुछ बचा हुआ है, यानी कि जो एच पॉजिटिव जाना था वो पार्शियल रिमूव हुआ और बचा हुआ है। फिर बेसिक साल्ट थे जिनमें बेसिक का मीन्स क्या हुआ कि जो बेसिक चीजें हैं वो पार्शियली उसमें बची हुई थी। अब नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ टाइप है डबल साल्ट। तो डबल साल्ट क्या होते हैं, सिंपल साल्ट होते हैं, टू सिंपल साल्ट लेते हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, यानी कि उनको मोल्टन स्टेट में लाओ मिक्स करो, जिससे उनके मिक्सर के बाद जो नया साल्ट आएगा यानी कि टू सिंपल साल्ट से जो बनेगा उसको हम कहेंगे डबल साल्ट। यानी कि फ्रॉम कहां से ऑब्टेन करेंगे, फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे किसका, सिंपल साल्ट का, ऑफ टू सिंपल साल्ट क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे सिंपल साल्ट का, मोल्टन स्टेट में करो दोनों को मिलाओ वाटर वगैरह मिलाओ और वो हम तैयार कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, काफी यूज होता है, आपने सुना होगा देखा होगा बिल्कुल यूज किया होगा पोटाशियम फिटकरी जिसको हम कहते हैं। तो फिटकरी क्या है, एक डबल साल्ट होता है यानी कि टू साल्ट का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से टू साल्ट हैं, पोटाशियम का सल्फेट और दूसरा होता है एल्यूमिनियम का सल्फेट, दोनों को मिलने से क्या बनता है अपने पास, पोटाश एलम बनता है। अब सल्फेट कैसे बनाए ये आप पहले पढ़ चुके हैं, पोटाशियम है और सल्फेट है, तो हम क्या करते हैं दोनों की वैलेंसी देखो, इसकी एक होती है प्लस वन, इसकी माइनस टू, यानी कि वैलेंसी इसकी एक है इसकी दो है, एक्सचेंज करोगे तो टू यहां वन यहां, तो ये बन गया K2SO4। एल्यूमिनियम का कैसे बनाओगे, फिर यही इसकी होती है प्लस थ्री इसकी माइनस टू, एक्सचेंज करो ये होगा टू ये होगा थ्री। तो दोनों के साल्ट का फार्मूला देखो क्या आया, K2SO4 इसी के साथ है इकट्ठा है, इसका क्या Al2, टू यहां आ चुका है, SO ये थ्री है, थ्री यहां चलेगा, तो SO4 होल थ्राइस, और इस साल्ट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है 24H2O। तो ये एक डबल साल्ट है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, और क्या नाम है इसका, पोटाश एलम नाम है। इसके अलावा जैसे कि एक और है मोहर साल्ट, ये भी एक डबल साल्ट है, इसमें कौन कौन से साल्ट हैं, एक तो आयरन का है, तो आयरन की वैलेंसी टू भी होती है थ्री भी होती है लेकिन ज्यादातर टू होती है, तो उससे बनेगा आयरन का FeSO4। ये जो 24H2 है ना ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको अभी डिस्कस कर लेंगे इसके एग्जाम्पल के बाद, FeSO4। और दूसरा होता है अमोनियम का साल्ट, तो अमोनियम का यानी के सल्फेट बनाना हमने, तो इसकी वैलेंसी टू है इसकी वन होती है, ये प्लस वन है ये माइनस टू, तो एक्सचेंज करोगे तो यहां क्या चली जाएगी वन ये क्या जाएगी टू, तो ये बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4। ये किसका फॉर्मूला है, ये है मोहर साल्ट का, इसके साथ भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 6H2O। ये जो सॉलिड के क्रिस्टल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल है ना इन्हीं को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और एग्जांपल कर लेते हैं जैसे कार्नेलाइट एक डबल साल्ट होता है जिसका फार्मूला है KCl यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटाशियम का क्लोराइड, KCl पोटाशियम क्लोराइड MgCl2, ये क्या है कार्नेलाइट है, इसके साथ भी 6H2O होता है। एक है जैसे डोलोमाइट, ये डोलोमाइट भी क्या है डबल साल्ट है, ये क्या होता है मैग्नीशियम का कार्बोनेट यानी कि CO3 और कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3 MgCO3, इसको बोलते हैं डोलोमाइट। तो ये डबल साल्ट के एग्जांपल हैं जो टू सिंपल साल्ट से बने हुए हैं, इनसे मिलकर बनते हैं। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये अलग टॉपिक है, आपकी बुक में लास्ट में दिया हुआ है,
इसको मैं यही डिस्कस कर देता हूं क्योंकि यहां पे जिक्र आया हुआ है। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है सॉलिड के जो क्रिस्टल हैं, जैसे ये सॉलिड है, ये क्रिस्टल आ गए इनके, ये दोनों मिलके एक सॉलिड बन गया डबल साल्ट, इनके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल्स के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। आपने देखा होगा डेली लाइफ में बसेज होती हैं, सवारियां जाती है ना जीप में ऑटो में, तो कई बार सवारी बाहर नहीं लटक लेती है, जीप में बाहर लटकती है, कोई छत पे बैठा है, ये बाहर लटकने वाले हैं ना, यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि ये तो होगा मेन क्रिस्टल, इसके साथ ये जो लटके हुए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ये क्या है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो अटैच हैं किसके साथ अटैच हैं, सॉलिड के क्रिस्टल्स के साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद, जो अटैच हैं किसके साथ, क्रिस्टल्स ऑफ ए सॉलिड, जो सॉलिड के क्रिस्टल के साथ अटैच है, जैसे नीला थोथा होता है ब्लू विट्रोल CuSO4 5H2O, इसका जो ब्लू कलर होता है ना कॉपर सल्फेट का, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं इसको, ये ब्लू कलर इसी के कारण है, वाटर के कारण, जैसे आप इसको गर्म करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, यहां से चले जाते हैं और फिर इसका ब्लू कलर भी खत्म हो जाता है, यानी कि यहां पर 5H2O जो अपने पास हैं, जो 5 वाटर मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, ये क्या है, यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत से सॉलिड्स होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये एग्जांपल ऊपर आई गए कितने अपने पास, इसमें जैसे कितने हैं 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें कितने हैं 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें कितने हैं 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसी तरह जैसे FeSO4 है इसके साथ भी 5H2 होता है, बहुत सारे और दूसरे मॉलिक्यूल हैं जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे कि आप ये देखेंगे ये 5 नहीं सॉरी ये 7 है FeSO4, इसको बोलते हैं एप्सम साल्ट, FeSO4 7H2O, इसके अलावा ZnSO4 जिंक का जो सल्फेट है इसके साथ भी क्या होता है 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसके अलावा BaCl2 बेरियम का जो क्लोराइड है इसके साथ होते हैं 2H2O, यानी कि वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो 2 इसके साथ अटैच होते हैं, इसके अलावा MgSO4 अगर आपके पास है तो इस MgSO4 में भी आपके पास कितने हैं 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, यानी कि सॉलिड के क्रिस्टल्स के साथ जो मिले हुए वो क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये तो एक टॉपिक था अलग से, इसमें आपसे पूछ सकता है किसमें कितने होते हैं, हमारा मेन टॉपिक चल रहा है डबल साल्ट, तो डबल साल्ट हो गए नेक्स्ट टाइप अपनी, हम क्या पढ़ रहे हैं कि मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस के ऊपर कितने टाइप के साल्ट होते हैं। तो डबल साल्ट के बाद नेक्स्ट अपने पास है मिक्स साल्ट और एक होते हैं कंप्लेक्स साल्ट, दो और पढ़ने अब हमने। तो मिक्स क्या होंगे, मिक्स का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा आपके पास रेडिकल्स मिले हुए हों, एक से ज्यादा या एसिडिक मिल जाएं या आपके पास बेसिक मिल जाएं, वो होंगे मिक्स साल्ट, यानी कि फिफ्थ अपने पास है अब मिक्स साल्ट। किनको कहेंगे मिक्स साल्ट, विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स, यानी कि ये होते हैं मेड अप ऑफ मोर देन वन, एक से ज्यादा या तो एसिडिक रेडिकल्स हो या फिर बेसिक रेडिकल्स हो, और बेसिक रेडिकल्स मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि एक एसिडिक एक बेसिक, मैं कह रहा हूं एक से ज्यादा एसिडिक रेडिकल हो, दो हो तीन हो या फिर एक से ज्यादा बेसिक रेडिकल हो, तो क्या होता है मिक्स साल्ट होता है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल एन ए के सीओ थ्री। आप यहां पे देखो, एक तो ये होगा कैटायन वाला पार्ट, एक ये होगा, एक से ज्यादा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, यानी कि सोडियम पोटासियम कार्बोनेट, ये एग्जाम्पल है अपने पास मिक्स साल्ट का। इसके अलावा बहुत फेमस है ये एक चीज CaOCl2। ये देखो ऑक्सीजन एनायन है, क्लोरीन भी एनायन है, क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके बारे में इसी चैप्टर में आगे हम चर्चा भी करेंगे, ये क्या होता है, क्या काम आता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, मिक्स साल्ट का एग्जाम्पल है। और अपने पास लास्ट टाइप अब है साल्ट्स की, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट किसको कहेंगे हम, जो पूरी तरह आयनाइज नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। कॉम्प्लेक्स साल्ट्स क्या होते हैं, पहली बात तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये केमिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल को हमने चार ब्लॉक्स में बांटा हुआ है, एस ब्लॉक जिसमें दो आते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फिर पी ब्लॉक जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो 13 से लेकर लास्ट तक हैं 18 तक, और जो बीच में बचते हैं उनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या इन्हीं का नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक वालों का। और जो नीचे दो लाइनें दी हुई हैं उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक, जिनमें दो हैं लेंथेनाइड्स, बिकॉज देयर स्टार्टिंग एलिमेंट इज लेंथेनम एंड एक्टिनाइड, तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड नीचे हैं एफ ब्लॉक में, तो जो बीच में है वो क्या है, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो भी है अपने पास, वो क्या करते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है K4FeCN6, ये है पोटासियम फेरोसाइनाइड, ये एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है, और इसके अंदर ये जो आपने स्क्वेयर ब्रैकेट दिखाई दे रही है आपको, ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट है, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट ऐसे होते हैं, ये पूरी तरह आयनाइज नहीं होंगे, यानी कि ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, इसको तो आप तोड़ सकते हो, ये अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो अंदर वाला है इसको आप ब्रेकअप नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप के जो साल्ट होते हैं इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये क्या क्या पढ़े हमने, सारे टाइप के साल्ट हमने पढ़े, कि एसिडिक, बेसिक और नॉर्मल साल्ट हैं, या फिर अपने मिक्स साल्ट हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट हैं। तो ये थी साल्ट की टाइप। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे साल्ट सॉल्यूशंस। देखिए, जब साल्ट बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, तो क्या होता है, स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस भी मिल सकते हैं, या फिर स्ट्रोंग एसिड के साथ वीक बेस भी मिल सकता है, या फिर यानी कि एसिड बेस दोनों स्ट्रोंग हो सकते हैं, या ऐसा हो कि उनमें से एक स्ट्रोंग हो और दूसरा वीक हो। तो इस बेस पे इनकी कैटेगराइजेशन फिर कर लेते हैं। अब तक हमने पढ़े साल्ट, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, साल्ट सॉल्यूशंस की टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं वो पढ़ते हैं एक बार। जब साल्ट्स के हम सॉल्यूशन बनाएंगे, तो पहली जो टाइप है वो अपने पास बनेगी न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, साल्ट सॉल्यूशंस, और साल्ट सॉल्यूशंस के बेस के ऊपर अब हम इनको क्लासिफाई करना चाह रहे हैं कि कैसे साल्ट्स को हम क्लासिफाई करें। तो जो सबसे पहला है वो अपने पास क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन। न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है, इसमें एसिड भी स्ट्रोंग होता है, स्ट्रोंग एसिड है और स्ट्रोंग बेस है। जब स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन बनता है। ये जो साल्ट सॉल्यूशन हमने बनाए हैं, जो क्लासिफाई कर रहे हैं, ये बेस्ड है पीएच के ऊपर। पीएच के बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, बेस्ड ऑन, इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस है पीएच। तो न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, स्ट्रोंग एसिड होगा
और स्ट्रॉन्ग बेस होगा और इसकी पीएच होगी न्यूट्रल की, पता है आपको पीएच कितनी होती है, बताने की जरूरत नहीं, पीएच क्या है 7। जैसे कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कली और अल्कलाइन इनके बेस स्ट्रॉन्ग है बाकी वीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसे क्या बना NaCl प्लस H2O। तो ये जो साल्ट है ये किस कैटेगरी का है, ये न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन है और न्यूट्रल वालों की पीएच कितनी है 7 है। इसी तरह दूसरे और हो सकते हैं, इसके और एग्जांपल जैसे KCl है या KNO3 है या NaNO3 है, ये सारे साल्ट सॉल्यूशन कैसे हैं, न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट अपने पास है एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन, अब देख लो इसके नाम से ही पता लग रहा है, एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एसिड का प्रभाव ज्यादा है, एसिड की ताकत ज्यादा दिखाई दे रही, इसके नाम में पता लग रहा है ना, इसका मतलब जो एसिड है वो तो स्ट्रोंग है और बेस क्या है वो वीक है, यानी कि स्ट्रोंग एसिड, एसिड यहां पे स्ट्रोंग है और बेस कैसा है वीक है, ये इसके नाम में ही बता दिया, मैं सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। साइंस जब हम पढ़ते हैं तो डायग्राम और नेम अक्सर ये हमें सब कुछ बता देते हैं, तो एसिडिक का मतलब एसिड का इफेक्ट ज्यादा है, तो स्ट्रोंग एसिड है और वीक क्या होता है बेस, तो उससे क्या बनेगा एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन बनेगा। पीएच भी हम बता सकते हैं, एसिड है तो एसिड की पीएच क्या होती है 7 से कम होनी चाहिए तब एसिड होता है, यानी कि इनकी पीएच जो होगी वो क्या है लेस देन 7 से कम होती है जब एसिड स्ट्रोंग है बेस वीक। जैसे कि देखो स्ट्रोंग एसिड अपने पास है जैसे HCl और वीक बेस है जैसे NH4OH, ये वीक बेस है, इन दोनों को मिला दें तो साल्ट क्या आएगा अपने पास NH4Cl, तो ये जो है NH4Cl ये कैसा है ये एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन है। इसी तरह H2SO4 ले लेते तो जैसे कि और एग्जांपल क्या है NH4 whole twice SO4, ये भी कैसा है एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन। और तीसरा अपने पास होता है बेसिक साल्ट सॉल्यूशन, तो बेसिक साल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है बताओ, अब तो बता सकते हो काफी पढ़ चुके हो एसिड बेसिक साल्ट के बारे में, इसके नाम में क्या पता लग रहा है हमें, बेसिक साल्ट का मतलब बेस का इफेक्ट ज्यादा है और एसिड का कम है, ताकत बेस की ज्यादा इसके नाम से पता लग रहा है, इट मीन्स वी आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, व्हेन यू आर रिएक्टिंग स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड यू विल फॉर्म बेसिक साल्ट सॉल्यूशन एंड इट इज बेसिक साल्ट सॉल्यूशन सो इट्स पीएच मस्ट बी मोर देन 7, इट मीन्स 7 to 14, आपके पास पीएच क्या होनी चाहिए 7 से ज्यादा आनी चाहिए, मोर देन 7, तब क्या बनता है बेसिक साल्ट सॉल्यूशन बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ये है NaOH, वीक एसिड ले लो कोई भी ले लो आप, मान लिया H2CO3 ले लिया या CH3COOH ले लिया आपने, तो इनसे जो बनेगा Na2CO3 वैलेंसी 2-1 पता है आप तो समझ चुके आप सारी बातें, प्लस H2, ये जो साल्ट बना है साल्ट सॉल्यूशन ये कैसा है बेसिक है। इसके अलावा अगर आप यहां और कुछ लेते तो जो साल्ट बनता, मान लिया ये तो अपने पास क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहां आप लेते वीक एसिड CH3COOH ले लेते, मान लिया CH3COOH सॉरी ये क्या है एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो क्या साल्ट बनता अपने पास CH3COOH, तो ये साल्ट कैसा होता ये बेसिक साल्ट सॉल्यूशन होता, क्यों क्योंकि इसमें बेस हमने कैसा लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा साल्ट की कैटेगरी पढ़ी, पहले तो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस के ऊपर, और इसके बाद क्या पढ़ा कि साल्ट सॉल्यूशंस पीएच के बेस पे ये तीन टाइप के हैं, न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन, एसिडिक साल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग है पीएच 7 के बराबर है, इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है पीएच रहेगी लेस देन 7,
और बेसिक साल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, पीएच रहेगी मोर देन 7। ये थे टाइप्स ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स की, एसिड बेसिड साल्ट ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ केमिकल कंपाउंड्स साल्ट या उनसे बनने वाले दूसरे हैं एसिड बेसिड से। सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड, तो बड़ी कॉमन चीज है, सभी यूज करते हैं घरों में। इसका केमिकल फार्मूला है NaCl सोडियम क्लोराइड का। इसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है, जो घरों में हम यूज करते हैं वही है ये नमक। अब इसके अंदर जब भी आप नमक लेने जाते हो मार्केट से, तो हमेशा हर नमक जो भी आप लाओगे किसी भी कंपनी का लाओ, तो होता है आयोडाइज साल्ट। उसका कारण ये है कि आयोडीन हमें फूड बहुत कम ऐसे हैं जहां से हमें डायरेक्ट आयोडीन मिलता है। अपनी जो बॉडी है वो आयोडीन को सिंथेसाइज भी नहीं कर सकती, जो फूड मटेरियल्स हम लेते हैं उनमें से, तो वो हमें बाहर से रेडीमेड लेना पड़ता है। तो उसके लिए नमक को चुन रखा है कि भाई इसमें आयोडीन डाल लो और अपने शरीर में अपनी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो वो जो आयोडीन लिया जाता है इसमें कॉमन साल्ट में मिलाकर, वो होता है पोटाशियम आयोडाइड की फॉर्म में। यानी कि आयोडाइज साल्ट जिसको हम कह रहे हैं, आयोडाइज साल्ट, उसमें क्या है, कंटेन्स पोटाशियम आयोडाइड, इसके अंदर पोटाशियम आयोडाइड होता है, ताकि आयोडीन की डेफिशिएंसी अपने बॉडी में ना हो। अब कैसे इसको बना सकते हैं हम सोडियम क्लोराइड को, तो कई बार ये रिएक्शन आ चुकी है, बहुत बार आई है इसी चैप्टर में। ये बेस है HCl, इसके साथ मिलाओ NaOH के साथ, तो क्या बन रहा है अपने पास, NaCl प्लस H2O। एक तो ये बनाने का तरीका है। दूसरा बिल्कुल आसान सा है, आप SS में हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, महात्मा गांधी जी ने जो बनाया था, दांडी मार्च किया था साल्ट के लिए, तो वही तो था सारी कहानी। और क्या थी कि भाई सी वाटर जो आपके पास है उसको आप कहीं भी इकट्ठा करके, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और उसके अंदर साल्ट होता है, तो वहां से भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से भी आपको कॉमन साल्ट मिल सकता है, आप वाटर को ड्राई करके इसको ले सकते हैं। इसके अलावा सी वाटर का क्या होगा, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से आपको कॉमन साल्ट मिल जाएगा, या फिर रॉक साल्ट भी इसको कहा जाता है, तो रॉक से भी आप इसको ले सकते हैं। सॉलिड डिपॉजिट के रूप में पाया जाता है और वहां से भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ चीजें हमने पढ़नी है, ऐसे कंपाउंड्स आएंगे 4-5 जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो इनके बारे में हमें इनकी मेन मेन प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी क्या क्या है। तो इसकी जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता इसका जब प्योर फॉर्म में हो। अगर इसका कोई कलर आ रहा है तो आप समझ लेना कि उसके अंदर इंप्योरिटीज मिक्स हैं। इंप्योरिटीज साइंस में अलग होती है, इंप्योरिटीज का मतलब है अशुद्धि। तो जनरली जब एक लेमैन को ये कहा जाता है, एक सामान्य आदमी को हम कहें कि वह इंप्योरिटी है, तो वो उसका मतलब मानता है अशुद्धि। अब इंप्योरिटीज का मतलब साइंस में ये है कि जो सब्सटेंस आपके पास है उसमें दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे उससे अच्छा है या बुरा है। अगर आपने रेत ले रखा है सैंड, तो इसका फॉर्मूला SiO2 है, तो अगर केवल यही है और कुछ भी नहीं है तो ये प्योर है। अगर इसमें आपने कुछ भी मिला दिया, मान लिया बहुत महंगा है, आप इसके अंदर हीरा मिला दो, डायमंड या गोल्ड मिला दो, तो वो गोल्ड भी क्या कहलाएगा, इसके अंदर इंप्योरिटी कहलाएगा। प्योर सब्सटेंस मीन सेम टाइप होनी चाहिए। तो अगर ये प्योर है तो अपने पास क्या आएगा, ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड, कलरलेस और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। और
इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 820 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगर इसका टेम्परेचर कभी कम रह जाए अप टू 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ये डाइहाइड्रेट बना लेता है। अप टू 20 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स, तो ये क्या बना लेगा, डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट मींस टू वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ आके कंबाइन कर जाते हैं, यानी कि फिर ये इस नजर में आप इस फॉर्म में आपको नजर आएगा NaCl 2H2O डाइहाइड्रेट बना लेगा अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये नेचर में डेलिक्विसेंट होता है, इट इज डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट या इसको हम कह सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब तक ये कॉमन साल्ट आपके घर के अंदर डिब्बे के अंदर बंद है तब तक क्या होगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप इसको खुला रखोगे, कहीं भी आपने किसी भी बाउल में कटोरी में डाल के खुला रख दिया, तो एक दो दिन के बाद जब आप देखोगे तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी को क्या कहते हैं, डेलिक्विसेंट कहते हैं, यानी कि इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये डेलिक्विसेंट है तो क्यों है, इसका कारण क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। उसका कारण है इसके अंदर पाए जाने वाली इंप्योरिटी। ये जो NaCl है इसके अंदर एक इंप्योरिटी पाई जाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके कारण ये क्या है, डेलिक्विसेंट है, ड्यू टू एन इंप्योरिटी। एक इंप्योरिटी के कारण ऐसा है, और वो इंप्योरिटी कौन सी है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके कारण ये क्या होता है, डेलिक्विसेंट होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, ये कहां कहां यूज किया जा सकता है। एक तो यूज हो ही गया कि अपने सबके घरों में ये होता है, आसान आसान से चार पांच इसके यूज हैं। NaCl इसके यूजेस पढ़ने हैं, तो NaCl का एक यूज तो हो ही गया कि वही फूड का ये बहुत जरूरी कंपोनेंट है, क्योंकि आप सब्जी बनाते हो तो आपको नमक चाहिए, आप सलाद काट रहे हो तो नमक चाहिए, यानी कि ये एसेंशियल कंपोनेंट है, इसके बिना काम नहीं चलता अपना, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड ये इसका यूज है। आप इसको पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप एग्जाम में ऐसे लिखो या पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट 1, 2, 3 वो आपकी मर्जी। दूसरा, NaCl एक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है, आपने गौर किया होगा जो आप ये पैक्ड फूड लेते हो, चिप्स कुरकुरे जितनी भी चीजें हैं, इनमें नमक ज्यादा होता है, या फिर पिकल्स में अचार जो है उसमें नमक ज्यादा होता है, या फिर जो प्रिजर्व करते हैं मीट को उसमें भी ज्यादा होता है। कारण क्या है कि ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, बैक्टीरिया को किल करता है, इसीलिए इसका सेकेंड यूज क्या है, अब हम लिख सकते हैं प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स अचार के अंदर या मीट वगैरह जो होते हैं इनके अंदर, प्रिजर्वेटिव जो उनको प्रिजर्व करता है, संरक्षित रखता है, उसके रूप में इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम सोप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल फैट्स जो हैं उनसे हम सोप की फॉर्मेशन करते हैं। तो कई बार सोप जो पुराना होता है ना, वो एक लेयर सी बनती है, उस लेयर के रूप में वो आता नहीं है, तो वो जल्दी आ जाए, जल्दी सेपरेट हो जाए अपने सॉल्यूशन से, जल्दी हमें सोप मिल जाए, तो उसमें भी हम NaCl का यूज कर लेते हैं। यानी कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, जब सोप हम बना रहे हैं तो भी यूज किया जाता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है, दूसरे जो कंपाउंड हैं, जैसे कि वाशिंग सोडा है, कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा,
और आपका बेकिंग सोडा, उनमें भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ उनको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा यानी कि हम कह सकते हैं जो दूसरे कंपाउंड्स हैं सोडियम के ही, उनके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज होता है दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए। नेक्स्ट यूज है इसका जो सुगर बीट होती है, चुकंदर वगैरह है, उनके लिए ये एक अच्छे फर्टिलाइजर का काम करता है, उर्वरक का काम भी करता है, एज ए फर्टिलाइजर फॉर सुगर बीट। जो सुगर बीट है उसके लिए फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट यूज है इसका, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स। जो हिली एरियाज होते हैं जहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहां पे क्या होता है, बर्फ ही बर्फ हो जाती है, आइस हो जाती है चारों तरफ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, NaCl का यूज करते हैं, यानी कि उसको NaCl को उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, जिससे क्या होता है वो जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है। क्योंकि ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि आइस का स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, और वाटर जो H2O है, हालांकि आइस में भी H2O ही है, लेकिन जब वो आइस बनती है, जब वो सोलिडिफाई होती है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये चीजें अलग से केज लाइक गुफा जैसा स्ट्रक्चर बनता है। NaCl क्या करेगा, उसको तोड़ देता है, जाके तोड़ देगा तो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। हमें तो इतना याद रखना है यहाँ पे कि NaCl का यूज होता है जहां बर्फ होती ना रोड पे, वहां पे क्या करते हैं हम स्प्रे कर देते हैं जिससे आइस मेल्ट हो जाती है, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस में, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स, वहां पे NaCl का यूज होता है। तो ये पहला कंपाउंड अपने पास था, सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉमन साल्ट, कैसे बनता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या यूजेज हैं, ये है NaCl।